हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुबग्स। और मैं हूँ रूपा शर्मा, एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज के सेशन से पहले जो सेशन हमने किए उसमें हमने 13th ऑफ अप्रैल से पहले जो शिफ्ट हुई 12th ऑफ अप्रैल, उसके तीनों शिफ्ट कवर कर लिए हैं। क्या कर रहे हैं हम, जो न्यू स्टूडेंट अगर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं सेशन में तो उनको एक बार बता देते हैं। SSC CHSL का जो आंसर की आपकी आई है 2020 वाली, उसके सोल्यूशन हम कर रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग का सेक्शन कवर कर रहे हैं। क्लियर। 12th ऑफ अप्रैल हम कर चुके हैं, दो बार में ये एग्जाम हुआ था, एक बार अप्रैल हुआ था और फिर पोस्टपोन्ड हुआ, तो फिर ये अगस्त में हुआ था। ठीक। सो पहले अप्रैल की शिफ्ट कवर करेंगे सारी, उसके बाद अगस्त पर मूव करेंगे। नाउ आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है आपके 13th ऑफ अप्रैल की शिफ्ट नंबर 1 पर। तो सेशन को शुरू करेंगे, आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में बता दें, क्योंकि अभी तक ये सोल्यूशन ना तो आपको रिटन फॉर्म में कहीं मिलेंगे ना ही वीडियो फॉर्म में। सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। जो पैटर्न चेंज हुआ है या लेवल अप हुआ है एग्जाम का, तो वो समझ पाएंगे कि किस लेवल तक चीज़ें जा रही हैं। ओके, सो सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल वेन डायग्राम पर है। देखिए, इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन में ये जो दो लाइन है ये इनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर हर आकृति के सामने एवरी इमेज इज शोइंग दैट ये किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ट्राइंगल की बात करें तो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेक्टेंगल एथलीट्स को, और जो स्क्वायर है वो ओलंपियंस को। ओके, यहाँ उसने सवाल पूछा है हाउ मेनी इंडियंस आर एथलीट्स। इंडियन ट्राइंगल में आते हैं, एथलीट आपके रेक्टेंगल में आते हैं, और ओलंपियंस बट नॉट बोथ। तो एक ही चीज़ आपको पता करनी है। आंसर आपका यहाँ 15 दिया हुआ है, और आंसर क्यों मार्क है, एक्चुअली इस क्वेश्चन ये जो आंसर की थी इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इक्वेशंस टाइप कर सकूँ। सो व्हाट आई डिड, मैंने स्क्रीन शॉट लिए हैं आंसर की से क्वेश्चंस के और उनको स्लाइड्स में रखा है। सो आई होप इस चीज़ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और क्योंकि हमें ये चीज़ें जल्दी ख़त्म करनी है, आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हो सकता है आने वाले सेशन में भी मैं ऐसा ही कुछ कर रही होंगी। ठीक है। सी, आपके पास आंसर की है, आप सबको आंसर्स पता होते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील कि हम क्वेश्चन में आंसर देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। हमें ये समझना है कि लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ। ओके, ऑल राइट, सो बैक टू द क्वेश्चन। इंडियंस के बारे में बताना है जो या तो एथलीट हैं या फिर ओलंपियंस हैं। तो इंडियन यानी कि ट्राइंगल तो आपको कवर करना ही करना है, लेकिन ट्राइंगल के साथ या तो स्क्वायर कवर करें या फिर रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और ट्राइंगल में एक नंबर 3 ये आता है और एक नंबर 2 ये आता है, तो 3+2। और ये कौन है स्क्वायर वाले, ये ओलंपियंस हैं आपके, उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ट्राइंगल और रेक्टेंगल में सिर्फ 10 कवर होता है, सो ये आ जाएगा 10, जो कि कौन है, इंडियंस, और साथ ही के साथ एथलीट। ठीक। तो ये दोनों मिलाकर कितना आएगा, 15, इसीलिए आंसर 15 आ रहा था। दिस इज क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन ने ऑड वन आउट निकालना है, और आंसर आपका 589 आ रहा है। यहाँ जो लॉजिक आपका लग सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का सम कर लीजिए। ओके, 6+8 कितना हो जाएगा, 14। इसको 2 से डिवाइड कर लें तो आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा, 7 ही आ रहा है यहाँ। उसी तरीके से 2+4 कितना होता है, 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सेकेंड नंबर, दैट इज 3। इसी तरह से 3 और 5 कितना होता है, 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, जो कि सेकेंड नंबर है। बट 5+9 आपका 14 होता है, 2 से डिवाइड करने पर 7 आना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, इसीलिए ऑड वन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ड्स में, 4 वर्ड दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कौन सा एक सेम मैनर में कनेक्ट नहीं करता। अगर हम यहाँ पर एक्सिलेटेड की बात करें और रिडिकुलस की बात करें, गॉर्जियस की बात करें, ऑगस्ट की बात करें, तो देखिए रिडिकुलस हम बहुत नॉर्मली भी यूज करते हैं। रिडिकुलस का मतलब होता है कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है ना, यू डिडंट लाइक एनीथिंग। ओके, बाकी ये सब आपके गॉर्जियस, एक्सिलेटेड, ऑगस्ट, ये सब आपके कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, यू लाइक समथिंग,
है ना, या पॉजिटिव आपको वाइब देकर जा रही है, तो उस सेंस में इनको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि रेडिकुलस का सेंस आपका नेगेटिव हो जाता है, इनका ऑपोजिट है, कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, यू डिडंट लाइक दैट, तो आप रेडिकुलस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस सीरीज में ज़रूर मैं मानती हूँ कि अगर आंसर पता है तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, समझ आ जाता है, लेकिन अगर हम इन आंसर्स को इग्नोर कर दें तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कॉमन नंबर हैं, लेटर है, अब यहाँ लेटर सीरीज है तो कॉमन लेटर ढूंढेंगे। सो देखिए यहाँ जो आपको कॉमन मिलेगा वो एक जेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक जेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, सो अगर हम यहाँ देखें तो क्या और कोई चीज़ है जो कॉमन यहाँ पर नजर आ रही हो आपको, के जेड आर, तो के जेड के बाद अगर मैं मान लूँ इसी को फोकस करते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि के जेड यहाँ भी है और के जेड यहाँ भी है, तो मैं मान लूँ कि यहाँ पर के जेड आर ही आएगा। ठीक, तो के जेड आर का मतलब कौन से थर्ड प्लेस पर आर आ रहा है, तो हर जगह थर्ड प्लेस पर आर है, यानी कि ये बात तो फिक्स हो गई कि के जेड आर आपका बनेगा। तो के जेड आर अगर यहाँ बन रहा है तो के जेड आर यहाँ पर भी बनना चाहिए, है ना, कहीं क्योंकि रिपीट बन रहा है तो रिपीट होगी सीरीज, तो इतना तो बनेगा। अब के जेड आर एक यहाँ पर बन गया तो यहाँ पर भी के जेड आर होना चाहिए, देन यू कैन रिपीट द सीरीज। सो अब देखो क्यू के जेड आर, आर के जेड आर, तो अब क्या होना चाहिए, क्यू से आर हुआ है 17 से 18, तो यहाँ पर 19 यानी कि एस आना चाहिए, तो एस के जेड आर और टी के जेड आर, तो बेसिकली जो सीरीज थी वो के जेड आर तो ठीक है, लेकिन इससे पहले वाला जो लेटर है वो प्लस वन होता चला गया है हर जगह, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाया होगा, मैंने भी काफ़ी देर लगाया था, लेकिन कहते हैं एक कहावत सुनी होगी आपने, खुदा पहाड़ निकली छुईया, ठीक है, ओके जस्ट किडिंग, बट ये समवेयर ये इस पे इम्प्लाई हो जाती है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो 40 बनता है, सिमिलरली यहाँ भी इन तीनों नंबर्स का सम 40 बनता है, दैट्स वाई दिस सेट इज सिमिलर टू दिस सेट। बाकी और कुछ लॉजिक मुझे तो फिलहाल समझ नहीं आया, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और लॉजिक काम कर सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक सवाल कई तरीके से सॉल्व हो सकता है, आपको भी पता है, तो अगर कुछ और लॉजिक मिलती है, बेटर मिलती है, तो डेफिनेटली हम उसको पिन ज़रूर कर देंगे। सिक्स क्वेश्चन पर मूव करते हैं, लेटर क्लस्टर्स हैं, इनका एक ही तरीका है सॉल्व करने का, आप इनकी प्लेस वैल्यूज को लिख लें और समझने की कोशिश करें क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए ऑल्टरनेट अगर नंबर्स देखेंगे तो इनका जो सम है वो 27 हो गया है, यहाँ पर भी 27। अब यहाँ देखिए, अब आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, C और X एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और सम 27 तभी होगा ना जब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। G और T भी 27 ऑपोजिट होते हैं, डी डब्ल्यू एंड जे क्यू ऑपोजिट होते हैं, G T ऑपोजिट होते हैं बट B Y ऑपोजिट होते हैं, ना कि B V। V का ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो कौन होता है, ये तो मैं भी भूल गई, 22 में 5, ओके ई, यस ईव भी लिखा जाता है ना, इवनिंग, राइट, अब याद आ गया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर ये एक ऐसा पेयर है जिसमें दोनों ही जो अल्टरनेट्स हैं वो ऑपोजिट्स नहीं हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पर देखिए, 23, 4 एंड 92, यहाँ क्या लॉजिक लग सकता है ज़रा देखेंगे। ओके राइट, सो देखिए स्मॉल नंबर से इन्होंने क्या किया, इस नंबर को डिवाइड किया एंड देन दे गेट द फर्स्ट नंबर। 92 को ज़रा 4 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, 1 कैरी 3 टाइम्स, 23 आ गया। इसी तरीके से अगर आप 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 203 यानी कि 7 से आप डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो 1 एक्स्ट्रा, तो 2 टाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 14 से बचा कितना कैरी, 6, तो 63 हो गया, 9 टाइम्स चला जाएगा, 29, यही आपका फर्स्ट नंबर है, दैट्स वाई ऑप्शन ए इन्होंने करेक्ट आंसर यहाँ लिखा है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो देखिए 5 से 132 डिवाइड नहीं हो सकता, 6 से अगर आप करेंगे इसको 2 टाइम्स चला जाएगा बट फिर 26 ये इसे डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आप 8 से इसे डिवाइड करने की कोशिश करें तो क्या ये हो सकता है, 8 दूनी 16, नहीं
नहीं हो सकता, तो बेसिकली डिवाइड ही नहीं कर पाओगे तो फर्स्ट नंबर कैसे आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। एथ क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है वैसे, और इसको आप अपने हिसाब से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, बट मैंने इसे ब्रेक करने की कोशिश की है थोड़ा सा, चलिए इसे समझते हैं। उसने कहा कृष्णा गेव 1/9 ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज सन। मान लीजिए कृष्णा की जो ओवरऑल सेविंग थी वो कितनी थी, एक्स थी, और उसने क्या किया, एक्स वाई नाइन, 1/9 दे दी उसने किसको, अपने एक बेटे को दे दी। और उसके बाद अगर एक्स वाई नाइन दे दी तो बचा कितना आपके पास, 8x/9 आपके पास, एज इन कृष्णा के पास। तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग टू हिज फर्स्ट डॉटर, ये 3/4 क्या है, रिमेनिंग है इसका, सॉरी 8x/9 रिमेनिंग है, और इसका भी 3/4 उसने किसको दिया, पहली डॉटर को अपनी, ओके इसका मतलब 2/3x, ये आप अपने आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, 3/4 अगर आप इसका वैसे भी करेंगे तो देखिए 4 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 तो 2/3 बचेगा, इतना कैलकुलेट कर सकते हैं आप आराम से, है ना। अब 3/2 आपने यहाँ से 3/4 निकाल लिया तो बचा जो है इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2/9x, ये उसने फर्स्ट ऑर्डर को दिया, और इसमें का जो बचा वो किसको दे दिया, सेकेंड ऑर्डर को। इफ द फर्स्ट ऑर्डर रिसीव 880 मोर देन द सेकेंड ऑर्डर, ठीक, यानी कि ये जो 2/3 है ये 880 ज्यादा है 2/9 से, तो क्या इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2/9 आपने लिख दिया और इसने 880 कर दिया, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, है ना। अब क्या करेंगे आप, 2/3x-2/9x यहाँ से कर लें और इसको 880 के इक्वल रख लें, 9 LCM आ जाएगा, 6-2x यानी कि 4x/9 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 880, x इज इक्वल्स टू 880 इंटू 9/4, यहाँ से 220 बचा, ठीक है 220। अब x की वैल्यू क्या है, 220 इंटू 9, मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि सवाल ने ये पूछा है हाउ मच डिड हिज सन गेट, तो x का 1/9 मिला उसे, अगर x इतना है तो इसका 1/9 कितना हो जाएगा, 220, 9 से डिवाइड कर दीजिए सिंपल, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप आप बचा सकते हो अगर कोई इसी ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा है तो, ठीक है। मुझे पता है आप लोग मैथ्स के एक्सपर्ट होंगे बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम के लिए आप सिर्फ रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, मैथ्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा कि इसे और कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल, क्योंकि मैं मैथ्स में मास्टर नहीं हूँ, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें कर लेती हूँ, ठीक है। तो 220 यहाँ पर आंसर आना चाहिए, ओके। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है एंड आंसर आपको लेकर आना है 500, ओके। देखिए इनटू नहीं लेकर आ सकते यहाँ पर आप, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पर डिवीजन का साइन नहीं है, अगर होता तो हम सोचते भी, अब जब डिवीजन का साइन नहीं है तो 6 की इससे मल्टीप्लिकेशन एक बहुत बड़ा नंबर लेकर आएगी जो कि हमारे लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है, सो ये कैंसिल। अब यहाँ डिवीजन का साइन है तो इस पर हम सोच सकते हैं, तो 216 डिवाइडेड बाई 6 एंड -8 इंटू 64 प्लस 48, क्लियर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 टाइम्स आएगा और फिर 6 टाइम्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा, एंड 8 × 48 और 3 × 51, अब देखो ये काफ़ी बड़ा नंबर बन जाता है यहाँ से, ठीक है। चलो देखते हैं, 500 तो नहीं आएगा जहाँ तक है, अगर आप इसको और इसको भी ऐड कर लें तो पहली बात तो 512 जो है वो माइनस की वैल्यू है, कैंसिल हो गया यहाँ से, तो इसको हम हटा देते हैं, ये कैंसिल। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये तो हम वैसे ही नहीं ले सकते, तो जब ये कैंसिल हुआ था तो ये ऑटोमेटिकली हुआ, आंसर आपके पास पहले भी दिया हुआ है 4 ही आएगा, तो आपको सॉल्व करके देखना है तो आप करके देख ज़रूर सकते हैं। देखिए 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम्स जाएगा, उसके बाद क्या आ गया, 8 × 64 एंड माइनस का 48, ठीक। सो सिर्फ माइनस के साइन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 512 36 प्लस माइनस
अब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है 12, तो 5 12 माइनस 12 आंसर क्या आ गया 500। ओके कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। इंडोनेशिया जकार्ता का रिलेशन जो है वही आपको कनाडा का रिलेशन ढूंढना है। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, जकार्ता। उसी तरह से कनाडा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो क्या हो गई, ओटावा। ठीक है, अगर हम सियोल की बात करते हैं तो सियोल क्या है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल होती है। और दोहा जो है वो कतर की है, ये सबको पता होगा, है ना। और मस्कट की अगर हम बात करें तो जो मस्कट है वो ओमान की कैपिटल होती है। ठीक, ओमान। ओके, यहाँ पे ये एम है। ऑल राइट, सो ये जो पूरा क्वेश्चन था वो आपका किस पे रिलेटेड था, कंट्री एंड कैपिटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर सीरीज का है। सो यहाँ लॉजिक समझ लीजिए, आंसर आपके पास ऑलरेडी है ही। ये जो पूरी सीरीज है इसमें जो फिगर है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो ये जो पहले नॉर्थ फेस कर रहा था, अब क्या कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है। इन दोनों में क्या चेंज हुआ, सर्कल एज इट इज अपनी जगह पर है। अब ये जब मूव किया तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ गया, है ना, और साइन चेंज हो गया इसका। ठीक, ओके, नाउ इसके बाद इन्होंने क्या किया, अच्छा जो साइन चेंज हुआ है वो भी एंटी क्लॉक वाइज मूड में हो रहे हैं। अगर ये वन नंबर है, ये टू नंबर है और ये थ्री नंबर, तो पहले वन चेंज हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एज इट इज ही है, बट ये टू नंबर का एरो ये चेंज हो गया एक ट्राइंगल में, एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री ये भी घूम रहा है। अब जब ये चेंज किया तो थर्ड नंबर का सर्कल था तो सर्कल एक स्टार में चेंज हो गया है। अब जब ये फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज मूव करेगा तो ट्राइंगल ऊपर आ जाएगा। ओके, बट ये जो साइन है आपका एरो का जो साइन है वो किसी और साइन में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास इस तरीके की ये दो फिगर ही थी, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल नहीं है और यहाँ पर ये फिगर की पोजिशन गलत है। सो यहाँ से आपको समझ में आ गया, यहाँ पर दोनों ही साइन गड़बड़ दिए थे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही आपके पास एक पॉसिबिलिटी बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखेंगे। 4, 7, 11, 17, 27 एंड 45। तो इसको डबल डिफरेंस में आप देखने की कोशिश करिएगा एक बार, क्योंकि इंटू टू करके भी आंसर नहीं आएगा आपका। चलिए देखते हैं, 7 और 4 के बीच का डिफरेंस है 3। 7 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक, 11। 11 प्लस 6 17। 17 प्लस 10 27 एंड 27 में 45 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा डबल डिफरेंस आप यहाँ से निकालें। यहाँ पर +1 हुआ, +2, +4 एंड +8। ये क्या है, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल। अब क्या होगा, 8 का डबल 16, और 16 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 34। नाउ 34 45 में ऐड करिए, आंसर मिलेगा 79, जो कि आपको दिया गया है। सो आई थिंक बहुत सिंपल था ये। 13th क्वेश्चन पर मूव करेंगे। सेक्रेट का कोड आपको दिया है, सो आपको पता करना है विंटर का कोड। ओके, सो यहाँ पर पहले हम कोड लिख लेते हैं, 19, 1, 3, 18 एंड 5 एंड 4। इसका जो कोड है दैट इज 22। हम क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यूज लिख रहे हैं लेटर्स की, आपको समझ आ गई होगी बात, 9 एंड 26। नाउ इसको अभी देखें, कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ऑलराइट, चलिए। सो 19 से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर होता है माइनस का 3, नहीं +3 हो रहा है ना। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो -3, यहाँ +2 -2, यहाँ पर +4 -4। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए यहाँ ये शायद आपको समझ में ना आए चीज, पर मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आपको ये आता होगा। 1 से -3 आप करते हैं -2 आता है, पर -2 अल्फाबेट्स में कहीं नहीं आता। अल्फाबेट में कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू -2 होती हो, नहीं होती ना। तो हम क्या करते हैं, 26 इसमें ऐड कर देते हैं, देन वी गेट द नंबर
क्योंकि जो आपकी अल्फाबेट सीरीज है वो ए से शुरू होती है और जेड पर खत्म होती है, लेकिन ये इसके एंड और स्टार्ट पॉइंट नहीं है, ये सर्कुलर फॉर्म में चलती है। अगर कोई आपसे पूछे जेड के बाद क्या आता है लेटर्स में, तो बोलिए ए आता है। ठीक है, ए से शुरू होगी जेड तक और फिर जेड के बाद फिर ए से शुरू होगी जेड तक, इसलिए ऐसा होता है। उसी तरीके से 4-4 जीरो आता है, और जीरो कोई लेटर नहीं होता प्लेस वैल्यू का, तो प्लस 26 करेंगे 26 आ जाएगा। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। सो विंटर में भी आप ऐसे ही करेंगे, W में जब आप प्लस 3 करते हैं तो 26 आना चाहिए, यानी कि Z। अब Z में ये ऑप्शन नहीं था, ये भी नहीं था, इन दोनों में से कुछ हो सकता था। उसके बाद -3 आप करेंगे I से, तो I इज 9, 9-3 इज F, तो देखो यहाँ F नहीं है, ये कैंसिल, सिर्फ दो लेटर से आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखें 14th, इसके लिए आपको जो इंडिया का मैप है उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। यहाँ जो अरेंजमेंट की गई है वो अरेंजमेंट आपके जो सिटीज यहाँ दी गई हैं, शहरों के नाम, वो ऊपर से नीचे की तरफ दिए गए हैं। देखिए ये आपके भारत का नक्शा होता है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, इस तरह से कुछ। एंड एक तो पेन थोड़ा गड़बड़ है, उससे इतना बेहतर तो नहीं बना पाऊंगी, पर कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अगर ये आपका इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर अब पहला अगर हम देखें शहर क्या है, हैदराबाद, तो हैदराबाद कुछ यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है, हैदराबाद। उसके बाद आता है नागपुर, नागपुर जो है वो हैदराबाद के ऊपर है, ठीक। एंड देन देहरादून, देहरादून आपका बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे गए, ठीक है, नियर बाय टू दिस। उसके बाद भोपाल आता है, भोपाल आपका कुछ यहाँ पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेंटर सा पड़ता है, ये वाली जो आपकी लाइन जाएगी इसके आमने सामने पड़ती है, ठीक। मैं अभी ऐसे पॉइंट आउट कर रही हूँ और लमसम आपको बता रही हूँ कि इस प्लेस पर चीजें पड़ती हैं। उसके बाद मदुरई, मदुरई बिल्कुल नीचे आ जाता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ श्रीलंका का आप देखते होंगे मैप होता है। इसके बाद आगरा, आगरा जो है वो भोपाल और देहरादून के बीच में कहीं पड़ेगा आगरा। तो अगर हम ऊपर से चलना शुरू करें तो देहरादून शुड बी द फर्स्ट सिटी, तो देहरादून का नंबर क्या है 3। अब देखो ऑप्शन में देखोगे तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर 6 भी सेम है, 6 का मतलब आगरा, तो बिल्कुल देहरादून के बाद आगरा आ रहा है। इसकी ही नंबरिंग क्यों ना कर ली जाए, तो इस पे कर लीजिए 3, आगरा है आपका 6 नंबर पे, भोपाल है 4th नंबर पे, नागपुर 2nd नंबर पे, 3642, देखिए 3642 आपको यहीं दिखाई देगा, यहाँ पर 3624 है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक। हैदराबाद का जो नंबर है दैट इज 1 एंड मदुरई इज 5, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैड ड्राइंग, एक तो पेन से भी नहीं बन पाता है, दूसरा होता है ना, उतनी परफेक्ट आर्ट नहीं है मेरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15th क्वेश्चन, ये मेरा इमेज है, इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता है। प्रॉपर्टीज आपको जो याद रखनी है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होते हैं, ये नेगेटिव है कि क्या नहीं होता है, क्या होता है तो क्लोज चीज क्लोज दिखाई देती है, यानी कि एस की इमेज एस की तरफ पहले दिखाई देगी। तो देखो इसमें एस की इमेज नहीं है और स्टार्टिंग में इसमें नहीं है, ई दिया है, अब यहाँ एन है और यहाँ आई, बट यहाँ पर तो थर्ड प्लेस पे एन है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ये गलत, सिर्फ 3 लेटर से आंसर आ गया आपका। 16th देखिए, कार और ट्रक का जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन आपको ढूंढना है। देखिए कार और ट्रक दोनों ही व्हीकल हैं, ठीक, ट्रांसपोर्ट की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है, एक ही मीडियम के लिए यूज होते हैं, चेयर और बेंच इनका बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सिटिंग के लिए। थंडर और लाइट, थंडर अलग चीज हो जाती है, लाइट अलग चीज हो जाती है, सेम सेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए जो थंडर है और लाइट, वो एक आप कह सकते हो कि एक ही जो भी घटना हो रही है उसके अलग अलग पार्ट्स हो गए, है ना। अगर वॉल और बैट की बात की जाए तो ये गेम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पर दोनों ऐसा तो नहीं है ना कि अब जैसे बैट का इस्तेमाल आप बॉल को हिट करने के लिए करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बॉल का इस्तेमाल आप बैट को हिट करने के लिए करते हैं, तो
ये सेम सेंस में, एक सेम गेम में इस्तेमाल जरूर होता है, बट दोनों का यूज एक नहीं होता। शू और सॉक्स की बात करें तो दोनों पैरों में पहने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शू की जगह आप सॉक्स इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको दोनों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन शू आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि बिना सॉक्स के शूज पहन लें, लेकिन बिना शूज के सिर्फ सॉक्स पहन के आप बाहर नहीं जा सकते। ओके, जैसे चेयर का इस्तेमाल बैठने के लिए होता है, बेंच का इस्तेमाल बैठने के लिए होता है, तो सेम सेंस जो परफेक्ट बनता है वो ऑप्शन टू से बनता है। 17th पर आ जाएं, सिलॉक का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल कॉम्स आर स्केल, सारे के सारे कॉम स्केल के अंदर आ जाते हैं। सम राउटर्स आर कॉम, तो कॉम राउटर में आया है सम, तो ऑटोमेटिकली स्केल में भी आ गया। ऑल ग्लोब्स आर राउटर, तो जितने भी ग्लोब्स हैं वो सभी राउटर का पार्ट हो जाएंगे। नाउ कंक्लूशन क्या कहती है? ऑल ग्लोब्स आर स्केल, सारे सारे ग्लोब स्केल हैं क्या? ग्लोब का स्केल का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नो, सम ग्लोब्स आर स्केल, कुछ ग्लोब स्केल हैं नहीं है। सम स्केल्स आर राउटर्स, कुछ स्केल राउटर्स हैं बिल्कुल हैं। ऑल राउटर आर स्केल, ये नहीं पॉसिबल। तो सिर्फ कंक्लूशन 3 फॉलो करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 18th देखें, 18th और 42 का रिलेशन है और 24 और 56 का रिलेशन है। ओके, इसको हम कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। 18 से अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 54 जाता है। अगर हम 42 माइनस कर दें तो इसमें से कितना बचेगा? 12। तो क्या 12 का रिलेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर मैं कहूँ 42 को हम 6 × 7 लिख सकते हैं, 56 को 7 × 8 लिख सकते हैं, ठीक? अच्छा, या फिर अगर उल्टा कहूँ तो 8 × 7 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे कॉमन चीजें ढूंढनी है। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मुझे कुछ कॉमन ढूंढना है। 7 कॉमन है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप? अब लेकिन ये 6 और 8 कहाँ से आया? तो 6 यहाँ से आया। 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो समझिए क्या हुआ यहाँ पर, 18 को यहाँ पर 3 से डिवाइड किया और जो नंबर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 24 को 3 से डिवाइड किया और जो नंबर आया, आपका जो रिजल्ट बनता है उसको 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट्स वाई ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक? बाकी किसी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4 7 जा 28 होना चाहिए था। यहाँ पर 3 से डिवाइड करके 3 आता है, 3 7 जा 21 होना चाहिए था। 3 से डिवाइड करके 5 आता है, 5 7 जा 35 होना चाहिए था, नॉट पॉसिबल। समझ आ गई बात? 19th क्वेश्चन देखिए जरा। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, प्रोफेन इज रिटन एज KOLCZKV, तो डिस ओवी को कैसे लिखा जाएगा? सो अगेन जो हम करते आए हैं प्रोफेन में, प्लेस वैल्यूज को लिख लीजिए, PROFANE। प्रोपेन कोई कंपाउंड या गैस होती है ना, आई थिंक केमिस्ट्री में। बहुत साल हो गए मुझे केमिस्ट्री पढ़े हुए, मतलब आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोपेन होती थी, आई थिंक प्रोपेन ब्यूटेन। ओके चलिए, 18, 15, 6, 1, 14 एंड 5, दिस इज 11, 15, 12, 3, 26, 11 एंड 22। इन दोनों का सम 27 होता है, इन दोनों का भी सम 27 होता है, इन दोनों का सम 27 नहीं होता, बट ये 25 है। एंड अरे, इन दोनों का सम भी 27 होता है, इन दोनों का सम भी 27 होता है। तो ऑल्टरनेट सारे 27 सम बना रहे हैं, है ना? तो अगर इनका देखा जाए तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे 25 का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर +3 हो रहा है और -3 आई थिंक। एक मिनट चेक करते हैं। यस, ये -3 है, ये भी -3 है और ये भी -3। समझ आया आपको? ऑल्टरनेट जो लेटर्स हैं उनके ऑपोजिट लेटर लिखे गए हैं,
ऑपोजिट लेटर होना और सम 27 होना एक ही बात होती है, ठीक। आप सभी ने पता है, पढ़ा होगा ये कि जो दो ऑपोजिट लेटर्स होते हैं उनका जो सम बनता है वो 27 बनता है, और जो बाकी ऑल्टरनेट बच गए यहाँ पर उनमें -3 करके कोट किया गया है। तो डिस ओवे में वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस कम्प्लीटली। हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट लेटर उठाएंगे, उसका ऑपोजिट डब्ल्यू ढूंढेंगे। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो में दिया है यहाँ पे। उसके बाद एस का ऑपोजिट एच होता है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर जी दिया है, कैंसिल। सिर्फ दो लेटर से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, 20th क्वेश्चन, मशीन को कोड किया है तो स्टॉक को कैसे करेंगे। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे बताना किस किस ने ये कर लिया था। मतलब ऐसे सवालों में जो लॉजिक लगते हैं ना, ये ऐसे सवाल मुझे पसंद है, जेन्यून लॉजिक है ये। 1, 9, 4 and 4। सी, एम का ऑपोजिट होता है एन, प्लेस वैल्यू होती है 14, और इनकी प्लेस वैल्यू के जो डिजिट्स हैं उनका सम होता है 5। यही कोड है। ए का कोड 8 और एच का 1, सी का कर दिया इन्होंने 6। अच्छा ओके, इसको अभी ऐसे रखते हैं। आई का इन्होंने रखा 9, ठीक, एन का रखा 4। देखिए कैसे हुआ, ए का जो ऑपोजिट होता है वो होता है जेड, दैट इज 26, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। सी का ऑपोजिट कितना होता है 24, दैट इज एक्स, 2 + 4 कितना हो गया 6। एच का ऑपोजिट एस यानी कि 19। अब आप कहेंगे ये तो 10 होता है, होता है, पर हमें क्या करना है, तब तक ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, तो 1 आ गया। आई का ऑपोजिट 18 होता है, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। 14 का ऑपोजिट 13, 13 के डिजिट्स का सम 4 आ गया। ई का ऑपोजिट 22, 2 + 2 कितना हो जाता है 4। समझ आई बात, ऑपोजिट लेटर्स हैं पर उनके जो अगर सिंगल डिजिट है देन इट्स फाइन, अगर 2 डिजिट है तो क्या किया, डबल कर दिया। लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट वाला कोई नहीं मिला आपको, सारे डबल डिजिट वाले हैं। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 19 का ऑपोजिट 8 होता है, यानी कि 8 सम आ जाएगा यहाँ पर, और कोड ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, इन दोनों में कुछ बनेगा। आंसर हमारे पास है बट लॉजिक पता होना जरूरी है। टी, टी का ऑपोजिट क्या होता है 7, यहाँ पे 6 दिया है, कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2। तो देखिए अगर कुछ उल्टा सीधा लॉजिक दे रहे हैं या लंबा जिसमें वक्त लग सकता है, तो वो उसके बाद लेटर भी ऐसा देते हैं, कोई वर्ड भी ऐसा देते हैं जिसे आप अगर थोड़ा सा सोच के करें तो एक या दो लेटर में आंसर निकाल के लेके आ जाएंगे। 21 में देखिए, अब ये काफ़ी सारे स्टूडेंट ने छोड़ दिया होगा जितना मुझे पता है, जितना मैं आप लोगों को समझती हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सवाल कितना आसान था। वी आर यूजिंग द हाईलाइटर टू सेपरेट द फिगर, ये है आपका एक ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज योर ट्राइंगल नंबर 1। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्राइंगल को जो वर्टेक्स से डिवाइड किया जाता है तो जितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक, उन हिस्सों का क्या कर लेते हैं, एड सम कर लेते हैं। 3 हिस्से हैं, 1 + 2 + 3 कितना मिलेगा 6 ट्राइंगल। अब इसी तरीके से एक ट्राइंगल एक ये भी है जिसको वर्टेक्स से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, समझ रहे हैं आप, बट ये कॉमन है तो कोई बात नहीं, कॉमन है तो हम इसको रखेंगे ज़रूर। 1 + 2 + 3 ये कितना हुआ 6, तो टोटल मिला के कितने हुए 12। पर एक ट्राइंगल ऐसा है ये वाला जो हमने 2 बार काउंट किया है, तो हम क्या करेंगे -1, क्या हो गया 11। इन दोनों से हमें 11 ट्राइंगल मिल गए। अच्छा अब ज़रा देखिए, एक ये है 12 और ये है 13, टोटल कितने ट्राइंगल हो गए 13। अब लेकिन 13 तो आंसर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर मिलेगा हमें। ये लिया हमने, कौन सा कलर लिया जाए, चलो पहले इसे हटा देते हैं क्योंकि और कोई कलर चढ़ेगा नहीं इस पर। देखिए एक कॉमन है आपका ये और एक ही इसके ऑपोजिट, तो 2 और हो गए, टोटल कितना हुआ 15। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा ओके, हाँ भाई सही है ना, एक तो ये पूरा भी तो रहेगा ना, देखो
जस्ट अ मिनट, हाइट। एक तो यहाँ कलर चेंज करने का बड़ा चक्कर है, एक ये पूरा ट्राइंगल भी तो ट्राइंगल है ना, इसे तो हमने कहीं काउंट नहीं किया, तो ये भी एक ट्राइंगल है। तो 15 में 8 प्लस आप करेंगे ये बड़ा वाला, तो टोटल 16 ट्राइंगल। ठीक, देखो आप इसको निकालते जरूर, लेकिन यहाँ ऐसा हो सकता था कि अगर 15 एक ऑप्शन देता है तो आप आंसर गलत करके आ जाते, जैसा कि मैं कर रही थी अभी। ठीक, चलिए यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सो जस्ट अ मिनट। Pointing to a photograph of a lady, Sukanya said, जो फोटोग्राफ था वो भी फीमेल है, याद रखिएगा। एंड सुकन्या सेड, तो सुकन्या का भी हम कुछ नहीं पता कर सकते, सुकन्या मेल भी हो सकता है, फेल भी, फीमेल भी हो सकती है। ब्लड रिलेशन का रूल ये हमेशा याद रखिए, जब तक क्लियर नहीं है तब तक आपको ये मानकर ही नहीं चलना कि जेंडर मेल है या फीमेल। उसने कहा हर सन सन, जो लेडी फोटोग्राफ में है, लेडी के सन का भी सन, इज द ब्रदर, भाई है, ऑफ माय डॉटर्स सिस्टर, मेरी डॉटर यानी सुकन्या की डॉटर की सिस्टर, यानी कि वो अपनी दूसरी डॉटर की बात कर रही है, उसका ब्रदर है। ठीक, तो अब देखिए जो सन हुआ, या यूं कहिए कि जो सन है नीचे सबसे, उसका जो फादर है, उसका और सुकन्या का रिलेशन कैसे बनेगा, हस्बैंड एंड वाइफ का, और वो जो लेडी है वो उसकी क्या हो गई, मदर इन लॉ। इसीलिए जो लेडी है उनका सुकन्या से रिलेशन मदर इन लॉ का बन जाएगा। सिंपल था। चलिए 23rd देखेंगे, ये आप लोगों ने, अगर जो लोग हिंदी स्कूल्स में, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं उन्हें समझ में आएगा, ये ना से नल बन गया है। ओके, चलो ये फिगर आपको ढूंढनी है, रोटेशन अलाउड नहीं है तो आप इसे घुमा नहीं सकते हैं, एज इट इज ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ना से ये जो है, ये वाला ड्रॉ करना लाइन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मिसिंग है, कैंसिल। यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही ड्रॉ किया गया है, ऊपर से ये वाली लाइन पूरी नहीं है तो ये कैंसिल। यहाँ पर आंसर आपको पता ही है, मार्क है, बट देखते हैं कैसे बन रहा है। देखो ये यहाँ से शुरू होगा और इस तरह जाकर ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो एग्जैक्टली यही सेम फिगर बन रही है, दैट्स वाई यही आंसर है। यहाँ इस तरह की कोई फिगर आपको देखने को नहीं मिल रही, ये कैंसिल। यहाँ पे एक ही डाइस की दो पोजीशन दी है और आपको बताना है कि 6 के ऑपोजिट पर क्या आएगा। वो कह रहा है कि अगर टॉप पे 6 है तो बॉटम पे क्या आएगा, इसका मतलब यही है कि वो ऑपोजिट नंबर पूछ रहा है। सो फेजेस जब आप चेक करते हैं तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी और मैं रिवाइज भी करा देती हूँ एक बार। ऑपोजिट जो फेजेस होते हैं वो ना तो एक साथ दिखाई देते हैं ना एक साथ छिपते हैं, ठीक है, साथ में ना तो विजिबल होंगे ना ही हाइड हो सकते हैं। सो अब देखें यहाँ पर क्या बात हो रही है, 6 का ऑपोजिट ढूंढना है, तो यहाँ 1 कॉमन ट्रिक हम लगा लेते हैं। 1 तो कॉमन क्यों लगाएंगे, क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो हम जो कॉमन नंबर होता है उसे सेम फेस पर लेकर आते हैं। 3, 2, 5 सेम नंबर क्या है, 3। उसके बाद आप देखिए 3 से काउंट करेंगे एंटी क्लॉक वाइज, क्यों, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ और 6, 4, 6, ठीक है। तो 6 का ऑपोजिट क्या बन गया, 5, यही आपका आंसर बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। 25 क्वेश्चन, ये सवाल अक्सर उल्टा पूछा जाता था, या यूं कहिए अब उल्टा पूछा गया है। वो कुछ ऐसे कटिंग फोल्डिंग देते थे और फिर पूछते थे कि अनफोल्ड करने पे कैसा दिखेगा, पर अब उन्होंने क्या किया, एक शीट पेपर को काट दिया, उसमें पंचेस करने थे वो कर दिए, उसके बाद उसको फोल्ड करके अनफोल्ड कर दिया और फिर पूछ लिया कि इस तरह की आकृति बन रही है अनफोल्ड करने पर। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि वो जब पंच किया गया होगा, किस तरीके से फोल्ड किया गया होगा, कैसे पंच किया गया होगा, ये पूछा गया है। तो इसका 1/4 हिस्सा उठा लीजिए और वो जो आकृति दिखे वही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए डायगनली होना चाहिए था एक रेक्टेंगल, नहीं है, यहाँ पर है बट ये दो ट्राइंगल ऐसे नहीं आ रहे, कैंसिल। यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 ट्राइंगल्स हैं, यहाँ 2 ही हैं, तो यही आपका आंसर हो सकता है। बहुत क्लियर ऑप्शंस दिए हैं, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको समझ आया होगा, जो लॉजिक्स हैं वो आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो थोड़ा टाइम मेरा भी सेव होगा और शायद मैं आपको एक से ज़्यादा सेशन एक दिन में करवा पाऊँ। कब करवा पाऊँगी? अगर आप मुझे अलाउ करें कि इसी तरह से मैं क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेकर पीपीटी पर रख लूँ। अब होता क्या है, इनमें आंसर ऑलरेडी मार्क होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इससे तकलीफ हो। तो जो कमेंट सेक्शन है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप इतना एक्टिव रहेंगे। और एंड में चल रही हैं बातें, तो ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा सेशन देखकर यहाँ तक आ चुके होंगे। सो मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपको इस तरह से कोई इशू नहीं है तो हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर है तो फिर ठीक है, इट विल टेक सम टाइम और उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।